ये इस चक्कर में मत पड़ जाना, हमने तो प्रधानमंत्री बनाना, प्रधानमंत्री बाकी बना लेंगे। धर्म और अधर्म की लड़ाई है, आप लोगों को तय करना है कि आप धर्म के साथ हैं या अधर्म के साथ। जितने देशभक्त हैं मेरे गिले हो लोग, और जितने अंधभक्त हैं उनके गिले हो लोग। दिल्ली में कैंपेन लॉन्च करने के बाद अब लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा की कुरुक्षेत्र सीट पर कैंपेन की शुरुआत कर दी है। इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग के तहत आम आदमी पार्टी को 10 लोकसभा सीट में से एक कुरुक्षेत्र सीट मिली है, जिस पर आम आदमी पार्टी ने पूर्व राज्यसभा सुशील कुमार गुप्ता को टिकट दिया है। कैंपेन लॉन्च के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहे। इस बार गलती मत कर देना भाई साहब, ये इस चक्कर में मत पड़ जाना, हमने तो प्रधानमंत्री बनाना, प्रधानमंत्री बाकी बना लेंगे। आप तो अपना सांसद बनाएंगे इस बार, ऐसा सांसद बनाना, ऐसा सांसद बनाना जो आपके सुख दुख में काम आए। सुशील गुप्ता को सांसद बनाओगे, कम से कम कल को धरना प्रदर्शन करने जाना, इसका घर होगा वहां पे घर जाके अपना घर समझ के वहां पे बैठ तो सकते हो। संसद के अंदर व्यापारियों को इतनी तकलीफ होती है, हरियाणा के व्यापारियों को इतनी, मेरे से मिलने के लिए आते हैं व्यापारी, छोटे छोटे व्यापारी, व्यापारियों का दर्द समझता है सुशील गुप्ता। व्यापारियों का अगर कोई मसला होगा, कम से कम अपना आदमी तो बैठा है संसद के अंदर, अपनी आवाज तो उठाएगा, कम से कम उनका गुलाम तो नहीं है बीजेपी वालों का, उनकी उनकी तो रोटी तो दी रोटी तो नहीं खाता, आपकी आवाज उठाएगा। अपने आदमी को भेजो इस बार संसद के अंदर, ये प्रधानमंत्री बनाने के चक्कर में मत पड़ना। तो वहीं आगे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी के साथ धर्म है और लोगों को ये तय करना है कि वो धर्म के साथ है या अधर्म के साथ। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के तहत हरियाणा में लोकसभा चुनाव लड़ रही है। समझौते के तहत आम आदमी पार्टी राज्य की कुल 10 संसदीय सीट में से एकमात्र कुरुक्षेत्र सीट पर चुनाव लड़ेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ मौजूद आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कौरव के पास सब कुछ होने के बावजूद पांडवों की जीत हुई थी। और कुरुक्षेत्र तो सबसे पवित्र धरती है, जहाँ पे धर्म युद्ध लड़ा गया था, ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था, धर्म और धर्म के बीच की लड़ाई है। पांडव जीते थे, कौरवों के पास क्या नहीं था, सब कुछ था उनके पास, सारी इतनी बड़ी फौज थी, सारा धन धान्य था, सब कुछ था। पांडवों के पास क्या था, भगवान श्री कृष्ण थे उनके साथ। आज हमारे साथ क्या है, हम भी बड़े छोटे हैं, चार आदमी हैं हम भी, हमारे साथ क्या है, भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ, और उनके पास सब कुछ है। आज उनके पास सारी शक्तियां हैं, सारी आईबी सीबीआई ईडी पीडी सब है उनके पास, हमारे पास नहीं, हमारे साथ हमारा धर्म है। और ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है, आप लोगों को तय करना है कि आप धर्म के साथ हैं कि अधर्म के साथ। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी दावा कर रही है कि वो लोकसभा चुनाव में 370 सीट जीतने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, वह खुलेआम कह रहे हैं उन्हें आपके वोट की जरूरत नहीं है, मैं दिल्ली से हाथ जोड़कर आपसे वोट मांगने आया हूं। सुशील गुप्ता आपका वोट मांगने के लिए घर घर जा रहे हैं, हमें चुनाव जीतने के लिए आपके वोटों की जरूरत है, उन्हें आपके वोट की जरूरत नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश में दो तरह के लोग हैं, उन्होंने कहा कि एक देशभक्त है और दूसरा अंधभक्त है। सुनिए आगे उन्होंने और क्या क्या कहा। और आज पूरे देश के अंदर दो किस्म के लोग हैं, हर आदमी या तो ये है या ये है, या तो देशभक्त है और या अंधभक्त है, दो ही किस्म के लोग हैं इस देश के अंदर, या तो देशभक्त है और या अंधभक्त है। जितने देशभक्त हैं मेरे गिले हो लो, और जितने अंधभक्त हैं उनके गेले हो लो। हमें अंधभक्त नहीं चाहिए, सारे अंधभक्त उनके गेले हो लो और सारे देशभक्त हमारे गेले हो लो। आज खट्टर साहब ने 10 साल के अंदर हरियाणा का बेड़ा गर्क कर दिया। हर बच्चा बच्चा चाहता है कि अब खट्टर सरकार जल्दी से जल्दी जानी चाहिए, कुरुक्षेत्र की सीट जिता दो, आगे खट्टर जी के जाने का समाचार हो जाएगा धीरे धीरे। तो आज से कुरुक्षेत्र का आम आदमी पार्टी अपना कुरुक्षेत्र का कैंपेन लॉन्च कर रही है, और कैंपेन का हमारा स्लोगन है, बदलांगे कुरुक्षेत्र बदलांगे हरियाणा, इबके इंडिया ने जिताना। कुरुक्षेत्र बदलेगा
तो हरियाणा भी बदलेगा, और हरियाणा बदलेगा तो इंडिया जीतेगा।